जैसे ही पता भैया हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक और आपको घुमाने वाले बैंकॉक। और ये देखो ये है यहाँ का नाला। और जो लोग देख रहे हैं भैया 18 से कम है तो मत देखना। बैंकॉक अपने आप में ही अलग चीज है। तो तीन जगह आपको प्रेफर करूंगा अगर आप आ रहे हो। बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ चीजों में बहुत पुराना है, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा एडवांस है। कॉन्डम कैफे, यस यहाँ पे कॉन्डम की बनाई गई है। तो हम जा रहे हैं BTS स्काई स्टेशन से। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और जैसे ही पता भैया हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक और आपको घुमाने वाले बैंकॉक। एक्चुअली ये अपना हॉस्टल है और हॉस्टल हमने बुक कर लिया था, थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। इसका नाम है फ्लो करके नाम है और ये पड़ता है आपका खाओसंग रोड पे। खाओसंग रोड काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। इसका मज़ा आपको रात को दिखाएंगे कैसी है और क्या है और क्यों हमने यहाँ हॉस्टल लिया है। पर अभी बात करते हैं कि हमारा चेक इन है 2 बजे, हम पहुँच चुके थे सुबह सुबह 10:30 बजे। अब इतना देर वेट करके क्या ही करना था, तो हमने सोचा यार चलो सामान रखवा दिया, चेंज वेंज कर लिया, प्रेशर वेशर बोलिए, अब निकलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं और दिखा के लाते हैं बैंकॉक के कुछ नज़ारे। और हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ के लोकल बसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बहुत ईजी है, आप गूगल पर मैप डालिए, उस पर आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर की बस कहाँ से चलने वाली है। ग्रैप यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, टैक्सी बाइक वगैरह, वो अगर आप सोलो हो तो, अदरवाइज वो महंगा ही पड़ता है। पर अभी हम कहाँ जाने वाले हैं ये थोड़ा सरप्राइज है, तो चलो आपको लेके चलता हूँ। जिस हॉस्टल में रह रहे हैं ज्यादातर इंडियंस ही हैं, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंडियन खाना। और मैं पूछा आप कहाँ से, अगर मैं बैंकॉक से ही हूँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? राजू नाम है। कहाँ से? बर्मा नेपाली। दाल चावल चिकन वगैरह बेच रहे भैया? शाम को देना, अभी तो हम तो जा रहे हैं। वैसे आपको यहाँ इंडियन खाना ऑलमोस्ट सारी जगह मिल जाएगा, पर इंडियन रेस्टोरेंट काफी महंगे होते हैं। भाई हमें अभी एक पाकिस्तान के और मिले और एक भाई और मिले, चाइना से स्टडी कर रहे हैं। ये एरिया मतलब ज्यादातर कहूँ तो इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी इन्हीं से घिरा हुआ है। मजा आता है नए नए लोगों से मिलके। तो थोड़ा इंप्रेशन की बात करें तो भैया बैंकॉक तो वैसे बहुत बार आ चुका हूँ, पर खाओसंग वाली साइड ना फर्स्ट टाइम रुका हूँ। और अभी हम जिस साइड निकल के जा रहे हैं बस पकड़ने जा रहे हैं। और ये देखो ये है यहाँ का नाला जिसको इन्होंने कवर कर रखा, और जो फ्लोटिंग मार्केट जिसे कहते हैं ना, जो बोट वोट चलती है वो भी इसी के ऊपर चलती है। भाई हम जा रहे हैं सुखमित की तरफ। ऑप्शन आपके पास तीन है, अगर आप बैंकॉक आ जाओ तीन में से किसी भी एक जगह चुन लेना। खाओसंग भी बहुत फेमस है अपनी नाइट मार्केट के लिए, नाइट स्ट्रीट के लिए, नाइट के माहौल के लिए। और अगर आपको चाहिए दूसरा माहौल गर्मा गर्म वाला, तो वो आपका है सुखमित नाना प्लाजा। ओहो भाई साहब ड्राई दिया, फ्लोटिंग मार्केट यहीं होती है सारी। तो एक ये जगह बता रहा हूँ आपको खाओसंग, जो बैंकॉक के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरी जगह जो आपको बताई है सुखमित है, तीसरी है प्रतनम। प्रतनम पूरा ही इंडियंस के लिए बना हुआ है। इंडियंस मतलब वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन लोगों के होटल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो तीन जगह आपको प्रेफर करूँगा अगर आप आ रहे हो। जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वो काफ़ी एक्साइटिंग जगह है, तो उसमें और मज़ा आने वाला है। वैसे टाइटल में आपने देख लिया होगा, फिर भी आप चलिए आपको और अच्छी तरह डिटेल में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर और क्यों फेमस है। थोड़ा सा अडल्ट जरूर है, पर चलो कोई बात नहीं, अब तो अडल्ट हैं हम। और जो लोग देख रहे हैं भैया 18 से कम है तो मत देखना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, गंदा पानी है, बदबू नहीं आ रही बस। ऐसी ना जगह जगह आपको खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे हर तरह का खाना खाया जाता है। भाई चिकन पिकन सब कुछ मिलेगा। और यहाँ के लोगों को मैंने देखा डॉग पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखो आंटी के हाथ में डॉग है, हेलो। और यहाँ पे काफ़ी सारे खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल भी हैं। शकरकंदी फ्राई होती है, तो देखिए केले भी फ्राई होकर सेल कर रहे हैं, केले हैं ये। भाई मैंने तो नहीं देखे पहले, बैंकॉक में ही होता है, या कभी ऐसा टेस्ट करा तो मुझे बताना कमेंट करके। बैंकॉक अपने आप में ही अलग चीज़ है। और हम जिस जगह है ना, ये ओल्ड टाउन है, मतलब पुराने घर पुरानी बिल्डिंग है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वो है सारा एडवांस, यानी वहाँ पे आपको मॉल्स, मार्केट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल्स आपको सारे वहीं नजर आएंगे। बैंकॉक एक ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया भर की मार्केट लगती है। भाई इतनी मार्केट लगती है, सुबह शाम दोपहर रात हर टाइम की मार्केट है, इवन आधी आधी रात तक की मार्केट लगती है। भाई बैंकॉक में ना इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रीट पे मार्केट लगना बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कुछ खाने को और ख़रीदने को मिल जाता है। तो भैया रास्ते में जाते जाते एक मंदिर खूबसूरत नज़र आया, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ की जो खासियत आपको नज़र आएगी, जो टेम्पल जो शेड्स बने हुए ना सब पे आपको ड्रैगन की पूंछ और गोल्डन स्टाइल जो नज़र आएगा ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखते हैं अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं। बोर्ड में पड़ा है जो है 1885 के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो भैया अभी तक यहाँ पे क्या है, मास्क का चक्कर है, तो उन्होंने मास्क रखा हुआ है। Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside. Free entry है और हमने दर्शन कर लिए, घूम आए, दिखा दिया आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने लायक, तो बाकी आपको लेके चलते हैं। तो भैया हमने पकड़नी है 511 बस नंबर और हमारी बस आ गई है और ये लेके जाएगी हमें सेंट्रल यानी प्रतनम की तरफ। तो गाइस फाइनली पहुंचे भैया अपनी जगह, मतलब
इसका हाल तो हमारे दिल्ली वाली बसों से बहुत ज़्यादा बुरा है। इतना ट्रैफिक 6 किलोमीटर में इन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। ये सुखमित एरिया बैंकॉक के ट्रैफिक से निपटने के लिए इन्होंने बना रखी है इस तरह सर्विस लाइंस। ये पूरी सड़कें जा रही है और ऊपर से पूरा एक ब्रिज बना रखा है जो कनेक्ट करता है इधर उधर जाने के लिए, देख रहे हो। पर वो बात है, कुछ चीज़ों में बहुत पुराना है, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये है बैंकॉक, हमारे नीचे सड़क है, हम ऊपर हमारे लिए पैदल चलने के लिए रास्ता बना रखा है यार। सो गाइस वेलकम है आप लोगों का, और जिस जगह मैं लेके आने की कोशिश कर रहा था वो जगह पहुंच चुके हैं हम। आ चुके हैं सीसी कैफे, यानी कॉन्डम कैफे। यस, बैंकॉक के अंदर एक ऐसा कैफे है जिसको कॉन्डम कैफे के नाम से जाना जाता है, और हम उस कैफे में आ चुके हैं। इस कैफे में हम क्यों आए और आपको यहाँ क्यों लेके आया हूँ ये अभी आपको दिखाते हैं। क्या खासियत है इस कैफे की, ये कुछ डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ यहीं दिखने वाला है, और ये किसकी शेप में आपको समझ आ जाएगा। और भी बहुत कुछ है, ये आपको पूरी तरह से प्रेरित करता है कॉन्डम को लेके यार, सच्ची में मतलब इसको अडल्ट कैफे कह सकते हैं। चलो आपको दिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने लग गया। ये पूरा जो एरिया ही है, ये हर एक चीज़ यहाँ पे जो दिखने वाली है ना, हर एक चीज़ जो नज़र आने वाली है, वो सब कुछ आपको कॉन्डम का नज़र आने वाला है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हर एक चीज़ जो नज़र आ रही है ना आपको, हर एक चीज़ जो इनकी ड्रेस है, जो हर एक चीज़ बनाई गई है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे कॉन्डम की बनाई गई है। तो जो इस कैफ़े की खासियत है वही आपको दिखाने लाए हैं भाई साहब। देखो सेंटा पूरा ही कॉन्डम का बना हुआ है, इवन सिर्फ सेंटा नहीं है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्डम की मिलने वाली है। अब कहने में शर्म नहीं आ रही क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन सी दिख रही है, और हमारे इंडिया में या इसको एक दुकान पे मांगते हुए लोग शर्म करते हैं कि भाई साहब कॉन्डम, पर यहाँ पे एक प्रॉपर कैफ़े है। ये देखा हुआ ओपन में ढेरम ढेर, मतलब ढेरम ढेर है, ये देख लो ढेरम ढेर, उठा लो जितने ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखो शर्म तो आती है इस बात को करते हुए कॉन्डम कैफे, और शायद जो लोग कुछ बच्चे भी देख रहे हो इस वीडियो को तो कहेंगे भैया कॉन्डम होता क्या है। तो भाई साहब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कॉन्डम क्या होता है, जिनको पता है उनको तो पता है भाई, जिनको नहीं पता तो बस थोड़ा सा बता दूँ कि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। आज डेट में हमारी सरकार भी छुप छुप के कहती है भैया इसको यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के लिए भैया हम नहीं बता सकते, बाकी ये कि यहाँ पे ओपनली इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। देखो पूरा कैफ़े बना हुआ है, हाँ छोटा सा एक म्यूज़ियम एरिया भी है जहाँ आप शॉपिंग शॉपिंग कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। काफ़ी बड़ा कैफ़े है यार, जितनी वैरायटी है ना इन सब चीज़ों में, जितनी वैरायटी है सारी वैरायटी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी क्या करती है ये तो हमें मालूम नहीं, सर्टिफाइड है 2015 में बेस्ट रेस्टोरेंट, 2016 में बेस्ट रेस्टोरेंट, 2017 में बेस्ट रेस्टोरेंट। तो भैया यहाँ लोग आते हैं खाते तो हैं ही हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं भाई इसका सेफ्टी यूज़ करें, क्योंकि देखो ये जो बैंकॉक जो थाईलैंड कंट्री है ये फ्रीली है सेक्स के लिए, और यहाँ पे आपको ओपनली कहते हैं भैया कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो इसका यूज़ ज़रूर करें। और मैं इसकी बात क्या करूँ, आप नॉर्मली भी अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में हो तो भैया इसका यूज़ करना चाहिए। ये देखो ऊपर की तरफ भी है, आपको छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इससे रिलेटेड कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पड़ता है आपका सुखमित सोई 20 में, तो डेफिनेटली अगर आपका चक्कर लगे तो ज़रूर आना यार, वाकई में एक यूनिक जगह है, मज़ा आएगा आपको। तो भैया ये उसकी छोटी सी एक वर्कशॉप है जिसके अंदर कॉन्डम को इस तरह से यूज़ किया गया कि अजीब ना लगे, पर जिसको पता है उसके लिए तो अजीब लगेगा लगेगा ना मेरे भाई। हर एक चीज़ पे आपको यहाँ पे कॉन्डम की छाप नज़र आएगी। इन्होंने फुल फ्लैश थाईलैंड के अंदर बैंकॉक के अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया है कि भैया आपको कॉन्डम को यूज़ करना है भाई, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देख रहे हो ड्रेस कोड, देख रहे हो ये ड्रेस, देख रहे हो ये सब कुछ, देख रहे हो ये सब कुछ कॉन्डम का बना हुआ है। कॉन्डम की राखी भी है, कॉन्डम का फूल बना रखा है, ये कॉन्डम की शेप में आपके वो बना रखे हैं, वो जो कप होल्डर होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, मतलब बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें हैं। ये देखो, देख रहे हो, यही इस जगह की खासियत है। क्या लगता है आपको, अच्छी बात है बुरी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल ओवर ये है कि ये है कॉन्डम कैफे, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, प्राइस ओवर नहीं है, 30 पार्ट से एक छोटी सी आइटम स्टार्ट हो जाती है, और प्राइस की वो नहीं है कि आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लेके जा सकते हो। देखो चंदन ने यहाँ से लिया है और पैकिंग करके दे रहे हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 बाट का है सामान, पर पैकिंग तरीके से, इतने प्रोफेशनल हैं ये लोग। क्रिएटिविटी देखो क्या क्या कर रखी है, ये सब कॉन्डम की क्रिएटिविटी है भाई। कैफे बहुत बड़ा है वैसे तो, पीछे तक है, हम यहाँ पे भी है ओपन में, तो यहाँ बैठते हैं देखते हैं कुछ खाने को क्या है। प्राइस थोड़ा सा ओवर है मेरे हिसाब से, तो हम जहाँ बाहर खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितने पैसे हम यहाँ देंगे उतने पेट नहीं भरेगा और पैसे भी जाएंगे। वेजिटेबल समोसा वैसा पिज़्ज़ा वीज़ा सब मिलता है, प्राइस ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। बाकी आपको कैफ़े कैसा लगा ये बताना है, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं एक और जगह। आप अगर आओ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा देना, क्योंकि यहाँ
बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, पार्टीज के लिए, डिस्को के लिए, नाइट लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए बैंकॉक में बहुत कुछ है। चल रहे हैं हम यहाँ से निकल के इंदिरा स्क्वायर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक इंडियन मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस शॉपिंग के लिए आते हैं। प्रोत्रम के अंदर पड़ती है इंदिरा स्क्वायर। और अभी हम निकल के जा रहे थे और यहाँ देख रहे हैं भैया, हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट इतना महंगा और यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट 2 किलो मिल रहा है 50 बाट का। और जो एक यूनिक कलर की लीची है ना, जो बालू वाली मैंने दिखाई थी शायद आपको वियतनाम में, वो मिल रही है 3 किलो 100 बाट की, ये वाली, और ये 2 किलो 50 बाट का, काफ़ी ज़्यादा सस्ता भाई। हमारे यहाँ तो पहले बार ये फ्रूट देख रहे हो नहीं मिलेगा, और कहीं गलती से मिल गया ना, 400-500 रुपये किलो से कम नहीं है ये हमारे इंडिया में। और यहाँ तो भाई मिट्टी के भाव बिक रहा है। अब यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी, पर यहाँ का ट्रैफिक तो ये नीचे का हमने जाने का कैंसिल कर दिया, बस ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो हम जा रहे हैं BTS स्काई स्टेशन से। वो क्या है भैया, वो है मेट्रो, यहाँ का नाम है BTS। तो हम जा रहे हैं मेट्रो से, देखते हैं कितनी टिकट है। ये जो हम जिस पुल पे चल रहे हैं, नीचे सड़क है, उसके ऊपर मेट्रो का एरिया है। यहाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी है, जैसे हमारे यहाँ मॉल क्रॉस वॉस करने में बड़ा झंझट होता है ना, यहाँ पे क्या चक्कर है, ये मॉल से कनेक्टिविटी सीधा यहाँ से दूसरी जगह, और अगले मॉल में भी एंट्री यहीं से हो जाएगी, और मेट्रो में चढ़ने की एंट्री यहीं से है। ये कनेक्टिविटी वाला सिस्टम है यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब इससे ये है कि लोगों का टाइम भी बचता है, और मॉल से मॉल जाना हो या रोड क्रॉस करनी हो तो ईजिली कर सकते हैं। तो भैया ये टेम्परेरी यूज़ के लिए एक कार्ड बना के दिया इन्होंने, 28 बाट की 2 किलोमीटर की टिकट है भाई। इन्होंने सेफ्टी कर रखी, आ गई हमारी मेट्रो। चलो भाई यहाँ भी कोई लेडीज़ डिपार्टमेंट ना हो बस। चलो जी चलो। तो भाई ये कुछ मेट्रो है यहाँ की, खुशबू है, खुशबू अच्छी है, जो भी कह लो। दो स्टेशन क्रॉस करे हैं हमने, दिए 28 बाट, और हमने सोचा प्रत्रम तो आगे है, हमने पहले के दे दिए, और भाई साहब यहाँ कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 4 बाट और दिए, यानी हमें पड़ गई टिकट 32 बाट की। और यहाँ ट्रैफिक का हाल ऐसा है कि भैया लोग मजबूरी है मेट्रो पकड़ते हैं, पर कोई बात नहीं यार, इस बार हम बस में चढ़ेंगे और सो जाएंगे, 1-1.5 घंटे लगेगा ना, सो के आराम से पहुँच जाएंगे। चलो फिलहाल हम मेट्रो से निकलते हैं। यहाँ ना एंट्री हो जाती सीधा मॉल के अंदर, सियाम मॉल है, आपको मॉल से घुमाते हुए लेके जा रहे हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मॉल की तरफ, जो कि बहुत मशहूर है। चलिए पहले सियाम मॉल दिखाते हुए लेके चलते हैं आपको, बहुत ही फेमस, और एक से बढ़कर एक शॉपिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं भाई। बैंकॉक शॉपिंग के लिए जैसे था बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो देखिए इन्जॉय करिए। तो भैया घूमते रहो और देखते रहो, शॉपिंग करने के लिए भी बढ़िया रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता यहाँ शॉपिंग के मामले में। वैसे ट्रांसपोर्टेशन ने तो भाई बस से बेटर तो हमें कुछ समझ नहीं आया। तो भैया बाहर निकलते कुछ ऐसी खूबसूरती है, ये मेट्रो रही, एक मॉल ये रहा, एक मॉल ये रहा, सियाम सेंटर, सियाम पार्कॉन ये रहा, और हमें जाना उस साइड। तो चलो आपको घूमते घुमाते लेके चलते हैं, एक एक मॉल तो क्या ही घुमाएं, मॉल के अंदर सारी चीज़ें वैसे आपको पता है सिमिलर ही होती है, कोई खास फर्क होता नहीं है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?